जब भी आप अपने पीसी में नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आप कई बार सोचते हैं कि मैं पायरेटेड इंस्टॉल करूं या फिर ओरिजिनल। आखिर आप सोचते हो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं इन दोनों में क्या अंतर है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं नाम है निशांत चौधरी और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम पायरेटेड और नॉन पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो जो पायरेटेड विंडोज होते हैं यानी कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो पायरेटेड होते हैं यानी कि उन्हें खरीदा नहीं गया होता बल्कि उन्हें क्रैक किया गया होता है उनको फेक सीरियल की के द्वारा या फिर किसी बड़े डेवलपर के द्वारा उसे क्रैक किया जाता है यानी उसकी सीरियल की वो हैकर के उसे इंस्टॉल किया जाता है। ये होता है पायरेटेड विंडोज। आखिर इसमें और ओरिजिनल विंडोज में क्या अंतर होता है? देखिए जो आपका जो पायरेटेड विंडोज है उसके अंदर आपको जो सिक्योरिटी पैच होते हैं वो नहीं मिलते यानी कि विंडोज आपको हर बार जो नए वायरस आते हैं उनसे आपको पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें फायरवॉल अपडेट करती है और कई सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करती है चाहे वो विंडोज अपडेट के फॉर्म में हो या फिर किसी और तरीके से आपके विंडोज में पहुंचाए जाते हैं। ये होते हैं उनके सिक्योरिटी अपडेट। अगर आप विंडोज को क्रैक करते हैं या फिर पायरेटेड डालते हैं तो आपको वो अपडेट नहीं मिलते और फिर आपके पीसी में कई सारे वायरस अटैक हो सकते हैं या फिर आपकी फाइल करप्ट हो सकती है। अगर आपके विंडो में कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा या फिर कोई और हार्डवेयर काम नहीं कर रहा तो आप विंडोज से सीधा उसका फिक्स ले सकते हैं। अगर आपका विंडोज पायरेटेड है तो आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका विंडोज पायरेटेड है, आपका डिवाइस यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से कनेक्टेड नहीं है तो आप उसमें जो उसकी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि वो सब आपको हेल्प तभी दे पाते हैं जब आपका विंडो ओरिजिनल होता है क्योंकि वो आपको अपडेट देते हैं और अपडेट्स भी आपको जो ओरिजिनल विंडोज है उसी में मिलते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि हम तो पायरेटेड विंडोज में अपडेट को करते हैं तो मैं बता दूं कि आप पायरेटेड विंडोज में जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो आपकी अपडेट फाइल डाउनलोड तो हो जाती है मगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाती क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पायरेटेड होता है इसलिए वो उसमें इंस्टॉल नहीं हो पाती। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस में पायरेटेड और नॉन पायरेटेड विंडोज में कुछ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको इसमें फर्क पड़ता है कि जितने भी नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको जो ओरिजिनल विंडोज है उसमें आपको ठीक तरह से काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर वो डिजाइन किया जाता है जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मगर आपके पास पायरेटेड है तो आपके पास लेटेस्ट विंडोज वर्जन नहीं होगा इसलिए कई सारे सॉफ्टवेयर आपको लगभग हैंग मिल सकते हैं यानी कि कई सॉफ्टवेयर आपको हैंग होंगे मगर इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये लगभग परफॉर्मेंस में सेम होते हैं। अगर बात करें हम पायरेटेड विंडोज में और दूसरी फीचर्स की यानी कि अगर आपके पास जो पायरेटेड विंडोज है उसमें अगर फाइल शेयरिंग करते हैं तो आप जैसे ही विंडो पायरेट करते हैं तो आपको शुरू शुरू में तो आपको विंडो फाइल शेयरिंग काम करता है मगर बाद में आपके जगह फाइल शेयरिंग बंद हो जाता है यानी अगर आपको फाइल शेयर करते हैं किसी दूसरे पीसी के साथ या फिर आपके मोबाइल में जैसे कि कोई ऐड मीडिया सर्वर तो आपका जो पायरेटेड विंडोज है वो फाइल को कुछ दिन तक ही हैंडल करता है उसके बाद उन फाइल को शेयर करना बंद कर देता है ऑटोमेटिक। उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है उस प्रॉब्लम का आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता जब तक आप विंडो को खरीद नहीं देते मगर जो ओरिजिनल विंडोज है उसमें ऐसा नहीं होता। आपने कोई फाइल आज शेयर की है तो वो आपकी कभी बंद नहीं होती तक आप उसे क्लोज नहीं करते। अगर बात करें और की तो यानी कि जैसे आप पायरेटेड विंडोज कम लेते हैं उसके अंदर कई सारे ड्राइवर्स नहीं मिलते या फिर कंप्यूटर हैंग होता है तो उसके अंदर आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई देता है मगर जो ओरिजिनल विंडोज है उसके अंदर आपको ब्लू स्क्रीन का कोई इरर नहीं आता। ये होते हैं पायरेटेड वीएस नॉन पायरेटेड विंडोज। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका है पायरेटेड और नॉन पायरेटेड विंडोज में क्या अंतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।